ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज का। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इससे पहले वो सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा मिलता जुलता है उसके साथ। 2 पावर -x, 2 पावर x, अब इन दोनों में से कोई भी आप एक फाइनल कर सकते हो y के इक्वल रखने के लिए, लेट करने के लिए। हमने लेट कर लिया माइनस वाली को, आप प्लस वाली को भी कर सकते हैं, उससे भी सवाल हो जाएगा। अब ये वाली माइनस वाली प्लस कैसे होगी, जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। 1/2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब 2 की पावर x ऊपर चला जाएगा, y इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी 1/y = 2x। 2x की जगह पे हम रखेंगे 1/y और इसकी जगह पे हम रखेंगे y। अब हमने वैल्यूज पुट कर दी इसमें, 1/y आ गया प्लस 64y -20, ये हमारे पास था। अब इन सब का एलसीएम आपको नजर आ रहा है कि y से हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये y y से कैंसिल हो गया, ये 64y² हो गया -20y। अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखा है, पहले x² फिर उसके बाद y, और यानी y² y और कांस्टेंट वैल्यू। तो ये हमारे पास y² y और कांस्टेंट वैल्यू आ गई। अब हमने इसके फैक्टर बना लिए, फैक्टर 64 के फैक्टर क्या बनेंगे, 16 × 4 64 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 भी आ जाएगा, इसलिए हमने ये दोनों फैक्टर ले लिए। अब फर्स्ट टू में से ये हमने कॉमन लिया, ये बच गया, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, -1 आएगा और अंदर वाली साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, प्लस वाली माइनस में आ जाएगी। दोनों में से ये हमारे दो आंसर आ गए। अब बारी बारी हमने दोनों को 0 के इक्वल रख दिया, एक साइड मैंने सॉल्व कर दिया है, एक साइड आपके लिए है ताकि आपको समझ आ सके और आप एक्सप्लेन कर सके इसको खुद से। ये 16y = 1 और y = 1/16 आ गया। 16 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कर देता हूं कैसे करनी है, तो जल्दी 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, फिर 2 के टेबल पे, तो ये 2 आ गया 4 टाइम, ये मैंने लिख लिया। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, पावर एक दूसरे के सामने लिख देंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x = 4। सेम इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा।